एनएससी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए डेली का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 15 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, आपके लिए फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, जहाँ पर आप बैंक, रेलवे, एसएससी, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर जॉब की एग्जाम की तैयारी होती है, यहाँ पर आप फ्री में मॉक दे सकते हैं। तो इसे आप जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए। और ये आपके लिए कुछ ऑफर चल रहा है, अगर आप सिलेक्शन अपना चाहते हैं तो देखिए, रीजनिंग का सिर्फ कोर्स खरीदेंगे तो आपको सिर्फ अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, 400 में दिया जा रहा है। पीटी का और मेंस का टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका सिर्फ मैथ्स वीक है तो भी आप इसको खरीद सकते हैं, और अगर सिर्फ रीजनिंग चाहते हैं तो ये भी आपको दिया जा रहा है। ये आपके लिए कम्प्लीट बैच दिया जा रहा है आपको। और ये देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बताइए वर्ल्ड रेडियो डे हम लोग कब मनाते हैं? वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, शशि, ज्योति, दीपक, अनिकेश, अनाज, सिद्धार्थ, किरण, मणिकांत, सागर, सूर्य, सपन, ज्योति, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है विद्या, गुड मॉर्निंग, ठीक है 13 फरवरी, चलिए सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये है 13 फरवरी, ठीक है, 13th of Feb को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी की अगर बात करें तो पहले थीम आइए देख लेते हैं, बहुत छोटा सा थीम है, आपको याद भी रहेगा, रेडियो एंड पीस, ठीक है, रेडियो एंड पीस इसका थीम रखा गया है। यहीं से अगर हम लोग बात करें, 13 फरवरी के, तो 13 फरवरी से याद रखिएगा एक और दिन मनाया जाता है, वो कौन सा डे होता है? नेशनल वुमेन्स डे, ठीक है, नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। अगर यहीं से अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं, तो वो होता है आपका 8 मार्च, लेकिन नेशनल वुमेन्स डे के बारे में अगर बात करते हैं तो ये आपका 13 फरवरी होता है। चलिए ठीक है, प्रियंका, ज्योति, गुड मॉर्निंग। और ये बताइए, नेशनल वुमेन्स डे के बारे में अगर बात हो रही है तो किनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? नेशनल वुमेन्स डे किनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? जो कि हमारी पहली महिला गवर्नर रह चुकी है, जो कि यूपी से थी, पहली महिला गवर्नर बनी थी यूपी से, उनका नाम था सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू के जन्मदिन पे हम लोग ये नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, याद रखिएगा, यूपी से बनी थी पहली महिला गवर्नर। चलिए ठीक है, सही है सबका आंसर। यहीं से अगर बात करें हम लोग 11 फरवरी की, 11 फरवरी को क्या मनाया गया है? 11 फरवरी को क्या मनाया गया है? देखिए, वर्ल्ड यूनानी डे, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है आपका 11 फरवरी को मनाया जाता है। यहीं से अगर बात करें, इसका भी थीम रखा गया था वर्ल्ड यूनानी डे का, तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था यूनानी एंड मेडिसिन, ठीक है, याद रखिएगा, यूनानी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ, यूनानी मेडिसिन, यूनानी एंड मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, इसका थीम रखा गया था। तो थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बड़ा थीम रहता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो छोटे थीम होते हैं उसको जरूर याद रखा कीजिए, क्योंकि इजी होता है याद करने में। चलिए सही है सबका आंसर, ठीक है किरण। और यहीं से चलिए बता दीजिए, तो 10 फरवरी को क्या मनाया हम लोग? वर्ल्ड पल्स डे, ठीक है, वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया आपका किस तारीख को? 10 फरवरी को मनाया गया था। और 12 फरवरी की अगर बात करें तो वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी डे मनाया गया है, ठीक है, वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी डे मनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको याद रखने होंगे, चलिए सही है सबका। और इसका क्या था, वर्ल्ड पल्स डे का थीम क्या था? ये भी बहुत छोटा सा था, पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, याद रखिएगा, पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इसका थीम रखा गया था। तो देखिए, अगर बात करें ना, तो अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक चलाया गया, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक चलाया गया, कब से कब तक आरबीआई के द्वारा, कब से कब तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक चलाया गया? तो देखिए, 13 से 17 फरवरी, ठीक है, 13 से 17 फरवरी तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया, तो ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, सही है, इसका एक थीम भी है, गुड, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। पिछले बार जो है आपका 14 से 18 था, इस बार 13 से 17 फरवरी तक चलाया जा रहा है, और इसका थीम है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर, ठीक है, गुड फाइनेंशियल बिहेवियर, याद रखिएगा।
ये बी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए ठीक है, सही है सबका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। और ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, अभी एक रैंकिंग जारी किया गया है, हंसना तो बहुत जरूरी है और उसी पे रैंकिंग जारी किया गया है, बताना है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, विश्व खुशी सूचकांक 2023 इसका रैंकिंग जारी किया गया, भारत का स्थान क्या है इसमें बताना है, इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है चिंटू, शहनाज, ठीक है सही है ज्योति, माधवी। और गाइस अगर सेशन अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके और भी दोस्त अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उन तक भी वीडियो को पहुंचाइए ताकि सभी लोग आ सके। ठीक है चलिए सही है, आइए देखते 136। ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 136 रैंक है इंडिया का इसमें। ठीक है अगर टॉप की बात करें कि टॉप पे कौन सा कंट्री है तो टॉप पे आपका हो जाएगा फिनलैंड, और अगर फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड लगातार पांचवी बार से टॉप पे रहा है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा आता है कि बताना है कि कौन सा देश, फिनलैंड के बारे में पूछ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कितनी बार से ये टॉप पे है, तो याद रखिएगा पांच बार से ये कंट्री जो है टॉप पे रहा है फिनलैंड। सेकेंड में आपका डेनमार्क है, सेकेंड में डेनमार्क कंट्री है। तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है, ये जारी किया जाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, और अगर बात करें ना वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का कितनावा एडिशन था, कितनावा संस्करण था इसका, तो 11वां याद रखिएगा, 11वां एडिशन था इस बार का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। चलिए ठीक है सही है, अर्जुन, ज्योति, संजू, किरण, प्रियंका, ठीक है। और यहीं से चलिए एक सवाल और बनेगा, हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात आ गई है तो बता दीजिए जल्दी से कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हम लोग कब मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस तारीख को मनाया जाता है, नेक्स्ट मंथ ही है। चलिए इतना हिंट दे दिया, अगर आपको याद है तो लिखिए जल्दी से, नेक्स्ट मंथ में ही मनाया जाएगा। तो ये देखिए 20 मार्च, ठीक है 20 मार्च को मनाया जाता है हैप्पीनेस डे, तो ये भी याद रखिएगा, लिंक करके याद रख लीजिए, अलग से याद ना करना पड़े आपको। ठीक है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है नीतू गुड मॉर्निंग। और चलिए अभी हाल ही में एक दो और रैंकिंग जारी किए गए थे, आइए हम लोग थोड़ा उसको भी रिविजन कर लेते हैं। अगर बात करें ना रैंकिंग की, तो अभी हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग जारी किया गया है। ठीक है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग जारी किया गया है, तो बताना है कि इसमें इंडिया का रैंक कितना है, इसमें भारत का स्थान कितना है, 10। ठीक है इंडिया का रैंक हो जाएगा 10, कितने कंट्रीज में, 184 कंट्रीज में। ठीक है 184 कंट्रीज में, चलिए ठीक है सही है। और हाल ही में एक और रैंकिंग था आपका एविएशन सिक्योरिटी इंस्पेक्शन रैंकिंग, एविएशन सिक्योरिटी इंस्पेक्शन रैंकिंग, इसमें भारत का स्थान कितना था, इसमें इंडिया का रैंक आपका 55 हो जाएगा। ठीक है इसमें जो इंडिया का रैंक था वो था आपका 55, तो ये दो रैंकिंग याद रखिएगा, रिसेंटली रिलीज किया गया था तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए ठीक है विकास कुमार गुड मॉर्निंग। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा, बताना साइप्रस के नए प्रेसिडेंट बने, साइप्रस के नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है अनिकेत, माधवी, अर्जुन, विद्या, ज्योति, संजू, सूर्य, ठीक है दीपक, ठीक है आइए देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ये है निकोस क्रिस्टोडोलाटिस, ठीक है निकोस क्रिस्टोडोलाटिस याद रखिएगा प्रेसिडेंट बने साइप्रस के। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, आपका साइप्रस का कैपिटल क्या होता है, निकोशिया। ठीक है साइप्रस का कैपिटल होता है निकोशिया, और यहीं से प्रेसिडेंट बने निकोस, तो थोड़ा लिंक करके याद रख सकते हैं कि निकोशिया कैपिटल है और निकोस ही यहाँ के प्रेसिडेंट बने नए। तो देखिए किस तरह से आपको इजीली तौर पे याद हो जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए इसका कैपिटल याद रखना भी जरूरी है, तो याद रखिएगा कैपिटल है साइप्रस का निकोशिया और निकोस बने हैं प्रेसिडेंट। चलिए ठीक है सही है। यहां से देखिए क्रिस हिपकिंस के बारे में बात करें
अगर तो ये भी अभी रिसेंटली नए न्यूजीलैंड के बनाए गए प्रधानमंत्री, ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं अभी क्रिस हिपकिंस, याद रखिएगा नाम, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ये भी रिसेंटली बनाए गए हैं, किस देश के प्रेसिडेंट बने, जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग सौरभ, किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं ये, बने आपके बांग्लादेश के, ठीक है, बांग्लादेश के अभी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इनको, याद रखिएगा मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को बनाया गया है और ये अब्दुल हामिद को रिप्लेस करके अभी ये बने हैं, ठीक है, अब्दुल हामिद को रिप्लेस करके। और अगर बात करें तो ये किस पार्टी से है, तो अवामी लीग पार्टी से है, ठीक है, अवामी लीग पार्टी से, और ये 22वें राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, 22वें राष्ट्रपति बने हैं, अवामी लीग पार्टी से है ये, अवामी लीग पार्टी से, ये भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, सही है। अंजू कुमारी वर्मा गुड मॉर्निंग। और यहीं से अगर बात करें, पीटर पावेल भी हैं, ये भी बनाए गए हैं किसी देश में, बताइए, चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, चेक रिपब्लिक के ये प्रेसिडेंट बने हैं, पीटर पावेल, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, पीटर पावेल। चलिए ठीक है, सही है सबका आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, बताना है जनवरी मंथ का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है। आपको याद होगा कि पिछले साल, मतलब एक दो साल से ये आईसीसी के द्वारा नया अवार्ड जारी किया गया है, तो उसमें बताना है कि मेंस प्लेयर जनवरी मंथ का किसको बनाया गया, किसको घोषित किया गया, ठीक है। अभी भी लग रहा है बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हैं, थोड़ा सबको वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके, ठीक है। संजू, सूर्या, अर्जुन, ज्योति, किरण, अनामिका, चिंटू, दीपक, ठीक है, माधवी। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं, ये है शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल जो है ये बनाए गए एज अ मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने। और वुमेन्स पे अगर बात करें तो वुमेन्स पे बनाया गया है ग्रेस क्रीवेंस को, ठीक है, जो कि इंग्लैंड से है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, मैन और वुमेन का, मैन है शुभमन गिल जो कि भारत से है, और ग्रेस क्रीवेंस जो कि इंग्लैंड से है, इनको वुमेन में बनाया गया है, ठीक है, सही है सबका आंसर। आईसीसी की बात चल रही थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका स्थापना कब होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात आती है तो उसका हेडक्वार्टर, एस्टैब्लिशमेंट जरूर याद रखिए, ये आपके स्टैटिक का सवाल होता है और ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो आईसीसी का स्थापना हुआ था 1909 में, ठीक है, 1909 में हुआ था। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दुबई यूएई, ठीक है, दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। और इसकी सीईओ कौन है, इसकी सीईओ कौन है, जॉफ एलरडाइज, याद रखिएगा सीईओ है इसके जॉफ एलरडाइज। और इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन कौन है, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में, इसके चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से ही है, ये भी याद रखिएगा, ग्रेग बार्कले इसके चेयरमैन है। चलिए ठीक है, सही है सबका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और ये देखिए बताना है यूनेस्को पीस प्राइज से किसे नवाजा गया है। अभी यूनेस्को का पीस प्राइज दिया गया किसको, एक्चुअली ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, तो उस समय अनाउंसमेंट किया गया था और अभी ये प्राइज दिया गया है, इसलिए वापस ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो बताइए किनको दिया गया है, ठीक है, एंजेला मार्केल, सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, एंजेला मार्केल को यूनेस्को का पीस प्राइज दिया गया, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, और एंजेला मार्केल को एक और अवार्ड दिया गया था पिछले साल 2022 में, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड भी दिया गया था इनको, ठीक है, याद रखिएगा, एंजेला मार्केल को ही दिया गया था पिछले साल, और अभी यूनेस्को का पीस प्राइज दिया गया है। तो एंजेला मार्केल जो कि चांसलर थी जर्मनी की, तो किस साल बनी थी एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये अभी न्यूज में है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड भी दिया गया है इनको, तो इसलिए इनके बारे में आपको सारे डिटेल्स याद रखने होंगे। तो बताइए किस साल बनी थी, नहीं 2005 में, ठीक है, एंजेला मार्केल 2005 में जर्मनी की चांसलर बनी थी और पहली महिला चांसलर बनी थी, ठीक है, पहली महिला चांसलर बनी थी 2005 में। तो अगर बात करें कि अभी जर्मनी के चांसलर कौन है, अभी जर्मनी के चांसलर कौन है, लिखिए तो कमेंट बॉक्स में, आप लोग, आप ही के लिए सवाल है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, लिखिए जर्मनी के अभी प्रेजेंट में चांसलर कौन है,
ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे कुछ नाम है जैसे कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, तो इनसे याद होगा आपको कि टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर में शामिल किया गया था, ठीक है, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर में शामिल किया गया था, ठीक है। ओलाफ स्कॉल्स एकदम सही है, ठीक है, सही है। और पूर्णिमा देवी बर्मन के बारे में बात करें तो इनको भी एक अवार्ड दिया गया। अभी कौन सा अवार्ड? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है आपका चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। और ये किसको दिया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। और स्वस्ति सिंह की बात करें तो स्वस्ति सिंह को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड दिया गया है, 2022 का एकलव्य अवार्ड दिया गया, ठीक है, 2022 का एकलव्य अवार्ड दिया गया था स्वस्ति सिंह को, तो ये नाम भी याद रखिएगा। और ये एक साइकिलिस्ट है स्वस्ति सिंह, ठीक है, चलिए सही है सबका जवाब। बात यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की भी हुई थी यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? लिखिए अनामिका, प्रियंका, अनिकेत, नीतू, किरण, सूर्य, ठीक है, मणिकांत, अर्जुन, संजू, चलिए ठीक है। आइए देखते हैं यूनेस्को का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को का 1945 में, ठीक है, 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगर बात करें हेडक्वार्टर का है तो हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको। और अभी प्रेजेंट में जो इसकी डीजी हैं उनका नाम है ऑड्रे ओजोले, ठीक है, ऑड्रे ओजोले, तो याद रखिएगा। चलिए ठीक है, सही है सबका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोरक्को में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप किसने जीता है? बताना है कि रिसेंटली हु वन फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप हेल्ड इन मोरक्को। अभी मोरक्को में फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, पहली बार हुआ था ये शायद, तो याद रखिएगा कि ये मोरक्को में हुआ था, तो जीता कौन, जीता कौन है, ठीक है। ज्योति, चिंटू, प्रियंका, अनिकेत, विद्या, आफरीन, ठीक है, शहनाज, रियल मैड्रिड, ओके सही है, रियल मैड्रिड ने जीता है, ठीक है, रियल मैड्रिड जीता है आपका अल नसार को हरा के, अल नसार को हरा के, ये क्लब का नाम है, ठीक है, रियल मैड्रिड जीता है अल नसार को हरा के, फुटबॉल क्लब हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था जो कि मोरक्को में हुआ था। और रियल मैड्रिड के बारे में बात करें ना तो पांचवी बार जीता है, फिफ्थ टाइम, इसने फिफ्थ टाइम ये जीता है, रियल मैड्रिड ने जीता है, याद रखिएगा। और ये स्पेनिश की फुटबॉल क्लब है, ठीक है, स्पेन की फुटबॉल क्लब है, याद रखिएगा, स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड। और अल नसार के बारे में जो बात कर रहे हैं, जिसको हराया है इसने, ये सऊदी अरेबिया के फुटबॉल क्लब है, ठीक है, कहाँ की है? सऊदी अरेबिया का फुटबॉल क्लब है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, सही है। और अल नसार से तो एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है कि याद होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी कौन सा क्लब ज्वाइन किया था? अल नसार को ही ज्वाइन किया था, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, तो इसलिए भी ये इसमें शामिल हुए थे, तो इसलिए भी ये बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था, ठीक है, सही है। तो चलिए फीफा के बारे में बात, फुटबॉल के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ा हम लोग प्रीवियस देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फीफा फुटबॉल से रिलेटेड आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर फीफा के बारे में बात करें तो बताइए फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जो कि 22वां संस्करण था इस बार जो हुआ था 2022 में, तो बताइए कौन जीता था, कौन जीता था, जल्दी से बताइए, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना जीता था, किसको हरा के, किसको हरा के, फ्रांस को, ठीक है, अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हरा के, चलिए सही है। हुआ कहाँ था? कतर में, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो कतर में ये आयोजित किया गया था फीफा विश्व कप, 22वां संस्करण था, ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसमें तीन नाम और आपको याद करवाए गए थे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, तो एक नाम था आपका लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से थे, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? गोल्डन बॉल अवार्ड, ठीक है, गोल्डन बॉल अवार्ड ये दिया गया था लियोनेल मेसी को, ठीक है, जो कि कहां से है? अर्जेंटीना से थे, याद रखिएगा, लियोनेल मेसी को दिया गया था। यहीं से अगर हम लोग बात करें तो एक बूट अवार्ड दिया गया था, गोल्डन बूट अवार्ड, ये किसको दिया गया था, ठीक है, ये फ्रांस के है काइलन
है जो कि कहां से फ्रांस के हैं। और एक और अवार्ड था आपका क्लब अवार्ड, ठीक है, एक था आपका क्लब अवार्ड और ये दिया गया था एमिलिना मार्टिनेज को दिया गया था जो कि अर्जेंटीना से है, ठीक है, जो कि अर्जेंटीना से है। तो ये तीन अवार्ड इससे रिलेटेड याद रखिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए ठीक है, फुटबॉल से याद आता होगा कि अभी कुछ दिन पहले भी चर्चे में आया था कि एएफसी एशिया कप इस साल 2023 में एएफसी एशिया कप ये कहां होगा बताइए, जो 2023 में होगा इस साल होने जा रहा है कहां पे होगा, ठीक है, ये कतर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, ये जो है आपका कतर में होगा 2023 का एएफसी एशिया कप। लेकिन यही पे बात हो जाए कि 2027 में कहां होगा एएफसी एशिया कप, ये भी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है कौन सा देश होस्ट करेगा 2027 का, तो सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया। तो दोनों याद रखिएगा, इस साल कतर में 27 में सऊदी अरेबिया में होगा आपका एएफसी एशिया कप। चलिए सही है, इस साल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, ठीक है, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है, तो बताइए ये कहां होगा, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का, ठीक है, दो देश में होगा आपका, एक है आपका न्यूजीलैंड और दूसरा हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा 2023 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा। चलिए ठीक है, सही है, और इसका मैस्कट भी डिसाइड कर लिया गया था, इसका मैस्कट क्या है जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में, इसका मैस्कट क्या है, तजूनी, ठीक है, इसका मैस्कट हो जाएगा आपका तजूनी। चलिए सही है, और यहीं से अगर हम लोग जैसे एएफसी एशिया कप के बारे में पढ़ा कि 2023 और 27 का अनाउंस था, इसका भी अनाउंस कर दिया गया है कि जो 2026 में होगा, सॉरी इसके फीफा मेंस वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, फीफा जो मेंस वर्ल्ड कप इस बार जो कतर में हुआ था वही 2026 में जो होगा वो कहां पे होगा, ठीक है, वो तीन देश में होगा, याद रखिएगा, यूएस, कनाडा और मेक्सिको, ठीक है, यूएस, कनाडा और मेक्सिको, तीन जगह पे होगा फीफा वुमेन फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 का। चलिए ठीक है, सही है सबका आंसर। यहीं से अगर फीफा के बारे में बात करें तो दो तीन ट्रॉफी है जो कि आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि संतोष ट्रॉफी होता है आपका, ठीक है, संतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है, तो 2022 में हुआ था, इसको कौन जीता था, संतोष ट्रॉफी कौन जीता था, कौन सा स्टेट, केरला जीता था वेस्ट बंगाल को हरा के, ठीक है, केरला जीता था किसको हरा के, वेस्ट बंगाल को हरा के, संतोष ट्रॉफी। अगर बात करें फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 17, ठीक है, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था जो कि भारत में हुआ था, ठीक है, जो कि भारत में हुआ था, जीता कौन सा देश था, जीता था स्पेन, किसको हरा के, कोलंबिया को हरा के, ठीक है, स्पेन जीता था कोलंबिया को हरा के, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, सही है, और जो 2023 में ये तो अंडर 17 हुआ था आपका भारत में, जो 2023 में इस बार जो होने वाला है ना अंडर 17 वर्ल्ड कप वो पेरू देश में होगा, जो ये भी याद रखिएगा, किस देश में, पेरू कंट्री में होने वाला है। चलिए ठीक है, सही है सबका आंसर। और एक और आपका बहुत पुराना कप है डुरंड कप, ठीक है, डुरंड कप हुआ था 2022 में, तो बताइए इसको कौन जीता था, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब जीता था मुंबई सिटी एफसी को हरा के, ठीक है, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब जीता था किसको हरा के, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा के, तो ये भी याद रखिएगा। और फुटबॉल की बात आ रही है तो ऑल इंडिया फुटबॉल के नए अध्यक्ष भी बने थे, उनका नाम क्या है बताइए, ऑल इंडिया फुटबॉल के नए अध्यक्ष बने थे कल्याण चौबे, याद रखिएगा नाम, ठीक है, कल्याण चौबे नए अध्यक्ष बने थे, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, सपन, प्रियंका, शीतल, अनामिका। चलिए ठीक है, सही है, और ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए साइक्लोन आया गैब्रिली, तो किस देश में ये स्ट्राइक किया है, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ठीक है, बी
भी आ रहा है न्यूजीलैंड। चलिए सही है, ये न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी को बहुत ज्यादा हार्म किया है, ठीक है याद रखिएगा, ऑकलैंड सिटी को बहुत ज्यादा हार्म किया है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है गैब्रियल। चलिए ठीक है सही है। अब न्यूजीलैंड की बात हो गई है तो इसे एक और याद रखिएगा, अभी हाल ही में अभी एक टर्की में भी हुआ था, ठीक है तो टर्की में भी बहुत ज्यादा वहां पे 7.8 मैग्नीट्यूड से अभी वहां पे अर्थक्वेक आया था जहां पे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है टर्की का। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि टर्की की हेल्प करने के लिए भारत जो है एक ऑपरेशन चला रहा है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, जहाँ पे यहाँ के जो आर्मी है वो वहां पे जाके उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो बताना है उस ऑपरेशन का नाम क्या है, उस ऑपरेशन का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्की में हुआ था, अभी आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज में कितना ज्यादा लॉस हुआ है टर्की का, 7.8 मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आया था वहां पर, तो वहां पे ऑपरेशन दोस्त याद रखिएगा, ठीक है ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि अफगानिस्तान में फंसे लोगों के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है देवी शक्ति, जैसे कि आप लोगों ने देखा था यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए भी चलाया गया था ऑपरेशन, तो उसी तरह से यहाँ पे ऑपरेशन दोस्त चलाया गया टर्की के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। चलिए सही है आपका आंसर, ठीक है। और ये देखिए ये जो अभी गैब्रियल साइक्लोन आया, तो इसके लिए जो यहाँ के जो पीएम है, अभी हम लोगों ने बात किया कि न्यूजीलैंड के नए पीएम बने थे, उनका नाम क्या था, क्रिस हिपकिंस, ठीक है क्रिस हिपकिंस, तो उनके द्वारा जो फ्लड विक्टिम्स है उनके लिए कुछ पैकेज भी अनाउंस किया गया है। सॉरी तो अमाउंट कितना है, $7.25 million, $7.25 million ये अमाउंट भी दिया जा रहा है क्रिस हिपकिंस के द्वारा, तो अमाउंट भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है सही है, आइए आगे देखते हैं। देखिए अभी नए चीफ जस्टिस बनाए गए जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के, उनका नाम क्या है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस उनका नाम क्या है, ठीक है आइए देखते हैं। ये है जस्टिस एंड कोटेश्वर सिंह, ठीक है जस्टिस एंड कोटेश्वर सिंह को बनाया गया है नया चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का, ठीक है सही है। और ये देखिए अगर बात करें जसवंत सिंह, इनको भी बनाया गया है, कि कहां का जसवंत सिंह को भी बनाया गया नया चीफ जस्टिस, ये त्रिपुरा हाई कोर्ट का बनाया गया है, ठीक है। जस्टिस संदीप मेहता के बारे में अगर बात करें तो संदीप मेहता से याद रखिएगा, इनको गुवाहाटी हाई कोर्ट का बनाया गया है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। और जस्टिस सोनिया गिरधर गोकानी ये ये एकमात्र महिला है इन चारों में जिसको कभी ना चार नए अपॉइंट किए गए थे, ठीक है तो ये चारों नाम है इसमें से ये एक महिला है जस्टिस सोनिया गिरधर गोकानी, इनको बनाया गया है गुजरात हाई कोर्ट का, गुजरात हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनी है, तो ये चारों नाम याद रखिएगा, चारों अभी रिसेंटली नए अपॉइंट किए गए हैं। चलिए ठीक है सही है, आइए देखते हैं। और इसके पहले देखिए क्वांट इनसाइट डेटा इंटरप्रिटेशन ब्रेन टॉनिक और रीजनिंग का आपके लिए बुक लॉन्च किया गया है, जहाँ पे 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है आपके लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो इस बुक को जरूर जल्द से जल्द परचेज करिए। और ये देखिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये देखिए अभी 5वां एडिशन हुआ था, ठीक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा था कि 5वां एडिशन होने जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, मध्य प्रदेश में होगा, तो मध्य प्रदेश के टोटल 8 सिटीज में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है तो इसमें से बताना है कि अभी ये हो चुका है तो अभी इसको जीता किसने है, सबसे ज्यादा मेडल किस स्टेट ने लेके आया, तो देखिए महाराष्ट्र, ठीक है ओवरऑल चैंपियन जो रहा है वो कौन सा रहा है, महाराष्ट्र रहा है, जिसमें की 161 मेडल आया है, जिसमें 56 गोल्ड है, 55 सिल्वर है और 50 ब्रोंज मेडल है, याद रखिएगा महाराष्ट्र इसको जीत चुका है, ये आप देख सकते हैं मेडल टैली है महाराष्ट्र को टोटल 161, यहीं से अगर बात करें हरियाणा सेकंड में था 128 मेडल के साथ, ये गोल्ड है, मध्य प्रदेश थर्ड पे था 39 गोल्ड के साथ, टोटल 96 मेडल था, तो ये मेडल टैली है इसको याद रखिएगा। चलिए ठीक है, और ये देखिए अभी जो है स्मृति मंधाना ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गई है, ठीक है वर्ल्ड प्रीमियर लीग में अभी स्मृति मंधाना जो है मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गई है,
कितना में इनको आरसीबी टीम से अभी खेलेंगी। आरसीबी टीम ने बोली लगाई थी, बिड लगाया था कितने अमाउंट का, 3.4 करोड़। ठीक है, 3.4 करोड़, ये सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन गई है स्मृति मंदाना, नाम याद रखिएगा। ठीक है, सही है। ये देखिए, अभी हाल ही में काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है अभी नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, उसका नाम क्या है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अपॉइंट किए गए थे। जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अनिकेत सुनील तलाटी, ठीक है, अनिकेत सुनील तलाटी को प्रेसिडेंट बनाया गया है। और वाइस प्रेसिडेंट बात करें तो रंजीत कुमार अग्रवाल, ठीक है, रंजीत कुमार अग्रवाल को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के बनाए गए। चलिए ठीक है, यहाँ से देखिए, अभी 200th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया किनका, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया था। कितना था तो 200, ठीक है, याद रखिएगा 200 था। और ये देखिए, अभी जो है अभी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देखिए ब्लॉक बिल ऐप को, ठीक है, ब्लॉक बिल ऐप नियति टोटोला और नील कार्पेश कुमार पारी, ये आईआईटी इंदौर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनको जो है एक अवार्ड दिया गया है, गोल्डन बेस्ट एम माई गवर्नमेंट अवार्ड 2023 का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये जो है किसके द्वारा, कहाँ पे दिया गया, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था दुबई यूएई में, वहीं पर ये अवार्ड दिया गया है इनको, याद रखिएगा। एक है नियति टटोला और नील कल्पेश कुमार जो की आईआईटी इंदौर के स्टूडेंट है, और एक है ब्लॉक बिल ऐप है, ठीक है, ब्लॉक बिल ऐप। ये ब्लॉक बिल ऐप क्या है, देखिए, एक ब्लॉकचेन बेस्ड रिसिप्ट जनरेशन ऐप है ये, ठीक है। तो इस ऐप को भी ये अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड किनके द्वारा प्रेजेंट किया गया है, तो देखिए इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, उन्हीं के द्वारा ये अवार्ड को प्रेजेंट किया गया, ये अवार्ड दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, कौन सा देश के प्रेसिडेंट थे, तो इजिप्ट के थे। अगर बात करें कि सिल्वर अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये सिल्वर अवार्ड आप देख सकते हैं, ये दिया गया डोंट वेस्ट टीम जो कि उज्बेकिस्तान की टीम थी, इसको दिया गया है। और एक ब्रोंज मेडल जो दिया गया है, ये दिया गया फर्मिट टीम को जो कि सर्बिया की टीम है। तो ये तीनों याद रखिएगा, यहाँ पे आईआईटी इंदौर के जो स्टूडेंट है उनको दिया गया है टॉप गोल्ड मेडल। ब्रोंज की बात, सिल्वर की बात करें तो उज्बेकिस्तान की टीम है, और ब्रोंज की बात करें तो सर्बिया की टीम है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जानना। चलिए सही है। और ये देखिए, अभी जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐप लाया गया, कोल माइन सर्विलियंस और मैनेजमेंट सिस्टम वेब ऐप लाया गया है, ठीक है। तो उसका नाम है खनन प्रहारी, ठीक है, खनन प्रहारी मोबाइल एप्लीकेशन लाया, किसके द्वारा, तो कोल मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा ये लाया गया है, कोल माइन सर्विलियंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो ये ऐप का नाम याद रखिएगा, खनन प्रहारी, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और इसी के साथ चलिए, आज का सेशन हमारा यही एंड होता है, फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स के साथ। रिवाइज करते रहिए और डेली क्लासेस कीजिए एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू सो मच।